यूपी के 5 पिछड़े जिलों के लोग भी अब जल्द ही एयरबस A320 से हवाई सेवा का अवसर पा सकेंगे। इन 5 जिलों में बन रहे एयरपोर्ट को एयरबस A320 के मानकों के अनुसार बनाया जा रहा है। 5 निर्माणाधीन एयरपोर्ट के संचालन एवं प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के साथ अनुबंध हो चुका है। ये एयरपोर्ट अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं सोनभद्र में विकसित किए जा रहे हैं। अनुबंध के अनुसार प्रदेश का नागरिक उड्डयन विभाग एयरपोर्ट का पूर्ण विकास कर के उसे AAI को सौंप देगा। एयरबस A320 दोहरे इंजन वाला विमान होता है जिसमें 320 यात्री एक साथ बैठकर उड़ान भर सकते हैं। ऐसे विमानों के लिए एयरपोर्ट का निर्माण तय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कराया जाता है। वहीं आपको बताते चले, ऐसे एयरपोर्ट भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम होते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि सभी 5 एयरपोर्ट ऐसे क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं जो विकास के दौर में पीछे छूट गए थे। श्रावस्ती, सोनभद्र और चित्रकूट तो आकांक्षात्मक जिले हैं। इन जिलों में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होने से विकास को नए पंख लगेंगे। तो वहीं श्रावस्ती बौद्ध सर्किट से जुड़ा है तो चित्रकूट रामायण सर्किट से। इसी तरह अलीगढ़ प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है जहां अब एयरपोर्ट की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। प्रदेश में नए एयरपोर्ट का निर्माण केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत कराया जा रहा है। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में मुख्य रूप से लखनऊ और वाराणसी में ही एयरपोर्ट थे और गोरखपुर और आगरा में आंशिक रूप से क्रियाशील एयरपोर्ट थे। तब इन 4 एयरपोर्टों से मात्र 25 स्थानों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध थी। आज प्रदेश में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और 75 स्थानों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध है। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और फेसबुक यूज करते हो तो फेसबुक पर हमारा पेज PPF Live को फॉलो कर लीजिए, उसको भी अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। नमस्कार।